नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नव्य और आज हमारे साथ मौजूद हैं दो लोग। जी हाँ, दो लोग जिन्हें आप जानते हैं, उनकी शादी का हिस्सा भी रह चुके हैं, वो आपकी लाइफ का भी एक पार्ट है। गैस करेंगे कौन है वो? दिख तो गया होगा फिलहाल। वैसे तो हमारे साथ है लखन जी और उनकी वाइफ नीतू जी। तो सबसे पहले तो हम उन्हें कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज यू रिसेंटली गॉट मैरिड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब दो का, अब तो एक हो गए यार हम। तो हाँ जी, थैंक यू सो मच नव्या। तो जैसे हम इनको इनके व्लॉग्स में देखते हैं, इनके फैंस इनको देख रहे हैं, इनका व्लॉगिंग करियर बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया था। तो मेरा और आपके फैंस का, लखनीत का सवाल है आपसे कि यू स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम और अभी आप एक हाउस होल्ड नेम हो चुके हो। ओए लखनीत, सब जानते हैं ओए लखनीत को। तो कैसा लगता है कि कहीं भी जाते हो फैंस गो क्रेजी आफ्टर यू कि नीतू हैं, लखन है? हम दोनों तो हैं ही, हमारी फैमिली भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, उनको भी लोग पहचानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलके। और वो हमारे फैंस नहीं है, हमारी फैमिली है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट वो एक ऐसी फीलिंग होती है जो कि हम एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक होता है लोगों का सिर्फ मिलना और एक होता है किस तरीके से मिलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम मॉल्स में जा रहे हैं, कहीं बाहर हमको मिल गए, तो एक मोमेंट होता है जब कोई आके आपको एक तो कह रहा है कि हम आपको जानते हैं, एक होता है आके आपको हक कर रहा है और उसकी आंखों से आंसू है, तो जो वो वाला मोमेंट होता है ना उस टाइम, हाँ, तो मतलब वो तो उसका कोई मापा ही नहीं जा सकता उसको। तो यही सवाल अभी इससे एक और मेरा सवाल उभर के आया है कि आपको याद है टिकटॉक बैन हुआ था और आपका सारा बेस टिकटॉक था, उसके बाद कैसे स्टार्ट किया? क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स थे जिनका पूरा ठप हो चुका था, वो परेशान हो गए थे, मोस्ट ऑफ देम हैड टू गो थ्रू मेरो काउंसलिंग सेशंस, सारे परेशान थे। उसके बाद जो आपने कमबैक किया, यू मेड अ प्लेटफॉर्म फॉर योरसेल्फ, हाउ वाज इट? बिकॉज आज हमारी जनरेशन है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ कॉन्टेंट क्रिएटर, सो दे वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, ऑफकोर्स यू। तो क्या कहोगे आप उन्हें? सबसे पहले तो वी आर नॉट दी बेस्ट, जैसा कि मैं मानता भी हूँ, और अगर बेस्ट जिस दिन समझ लिया उस दिन इम्प्रूवमेंट होना बंद हो जाएगा। तो जिस फेज़ के बारे में आपने बात किया, ऑफ कोर्स टिकटॉक एकदम से बैन हुआ सडनली, लेकिन क्योंकि आप ही जैसे न्यूज़ चैनल है ना, तो र्यूमर्स एक आध महीने पहले से आ रहे थे, तो वी स्टार्ट सेंसेस कि मतलब हमें सेंस होने लगा कि अब एक आध महीने में कुछ ना कुछ हो सकता है। एंड लकीली टिकटॉक बैन होते होते लाइक नीतू का एक फ़ैन बेस था जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत यूज था उस टाइम भी, तो हमने स्टार्ट किया दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपने वीडियोस को ले जाना, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि टिकटॉक पे मेहनत कम करनी पड़ती थी, बस उठाया फ़ोन और बनाया वीडियो और डाल दिया। लेकिन बस कुछ ऑप्शन जब नहीं होता है ना, तो ये होता है कि अब सर्वाइवल के लिए करना पड़ेगा कुछ, तो जब सर्वाइवल वाली बात होती है तो अपने आप मोटिवेशन जाग गया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे पूरे एफर्ट लगाए और रिजल्ट आपके सामने है। बस यही कह सकते हैं, अर्न किया है आपने, आपके फैंस। लेकिन मेरे को आपसे सवाल पूछना है, आप क्रिएटर हो, कहते हैं कि फर्स्ट है ये, तो वो क्रिकेट से क्रिएटर बनने की जर्नी कैसी थी और आपकी रणजी ट्रॉफीज़ के डेज कैसे थे, हमें जानना है। देखिए, हम तो व्लॉग देखते हैं, हमें पता है, लेकिन हमारे बाकी व्यूअर्स हैं जिनको नहीं आइडिया, उनको आप क्या बताओगे? एक्चुअली मैं क्रिकेटर ही हूँ अभी भी, तो हुआ क्या कि मैं मैचेस खेल रहा था और रणजी ट्रॉफी के मैचेस के बाद होता क्या था कि जो वीडियो एनालिस्ट होते थे वो हमारी परफॉर्मेंस पूरी टीम के सामने टीवी पर लगाते थे। तो एक बार ऐसा ही हुआ, मेरा डेब्यू हुआ अगेंस्ट सिक्किम, तो मैंने उसमें आई गेस 70 रन्स स्कोर किए थे अपनी पहली डेब्यू मैच में रणजी ट्रॉफी में। तो मैच के बाद जब हम सब बैठे हुए, तो वीडियो एनालिस्ट ने वो वीडियो चलाई मेरी जहाँ मैं सारे शॉट्स लगा रहा था और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया, कोई गाना डाल दिया लक्ष्य मूवी का। तो मुझे देख के एकदम हीरो वाली फील आई कि यार क्या ये मैं ही हूँ, ऐसे तो टीवी में देखते हैं स्टार्स को हम लोग। तो मैंने क्या किया, वो सेशन के बाद मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मेरे को वीडियो दो। मैंने वीडियो लिया और मैंने कैजुअली इंस्टाग्राम पर डाल दिया। अब डालने के बाद जो रिस्पॉन्स वहाँ से आया ना लोगों का, मैंने सोचा भी नहीं था कभी। एक तो फॉलोअर्स बढ़ गए, तो उसके बाद फिर दूसरे पेजेस ने डालना शुरू करा। फिर क्या हुआ, हर मैच के बाद मैं अपनी वीडियोस लेता था और मैं डालने लगा वहाँ पे, एक ट्रेंड सा बन गया जो कि दूसरे क्रिकेटर्स ने भी फॉलो किया साथ के साथ। फिर क्या हुआ, अचानक से मैं घर पर बैठा हुआ था जब रणजी ट्रॉफी का सीज़न ख़त्म हुआ, तो एकदम से मेरे को मैसेज आया टिकटॉक की तरफ से, उनके ऑफिशियल अकाउंट से, कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो टिकटॉक की इमेज मेरे दिमाग में वही थी जो आधे इंडिया के दिमाग में थी उस टाइम, कि अरे नाच गाना मेरे से नहीं होता, तो मैंने उनको सीधा मना कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने कन्विंस करने के लिए फ़ोन कॉल सेटअप किया, उन्होंने बताया मुझे कि किस तरीके से वो फ्यूचर देख रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि आप कुछ नहीं करो, आप अपने क्रिकेट वीडियोस उठाओ और यहाँ पर डालो।
तो मुझे सच में उम्मीद नहीं थी बहुत ज़्यादा, लेकिन एक हाइप बना हुआ था टिकटॉक का, तो मैंने भी सेम यही किया, मैंने अपने क्रिकेट वीडियोज़ उठाए और मैंने वहाँ पर डाल दिए, लेकिन जो रिस्पॉन्स वहाँ पर मिला क्रिकेट वीडियोज़ को, तो वो भी मैंने नहीं सोचा था कभी। तो वो एक एक लाइफ का नया फेज़ स्टार्ट हुआ वहाँ से। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं क्रिकेट के वीडियोज़ वहाँ पर डालने लगा। अभी क्या लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में फिर क्रिकेट खेल नहीं सकता। उसके बाद मैं मिला फिर नीतू से, तो उससे पहले तक फिर टिकटॉक ने अपने आप से देखा कि ये एक नया अपने आप में फॉर्म है, क्री क्रिएटर, जहाँ पे क्रिकेटर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ से ये नाम मेरे को टाइटल दिया गया। तो फिर उसके बाद टिकटॉक ने स्पॉन्सर किया मेरे को, और उन्होंने मुझे यूके भेजा जब 2019 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उन्होंने पूरा मेरे लिए सब कुछ सेटअप किया वहाँ पे, एक्रीडिएशन मेरे को अप्रूव कराया, और मैं बहुत घूमा फिरा वहाँ पे। तो फिर मेरे को पता चला इस टैग के बड़े फ़ायदे हैं क्रिएटर, तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। आई एम नॉट रॉन्ग, ये बात आपने अपने एक व्लॉग में भी बताई थी कि क्री क्रिएटर बने, फिर आपका और नीतू का कोलैब हुआ जब आप फर्स्ट टाइम मिले, 2018 की बात है, 20 में मिले, 18 में आपका शायद क्री क्रिएटर वाला फेस स्टार्ट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर आप नीतू से मिले एंड देन यू गाइस स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज एंड यू फेल इन लव एंड यू नो। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप डेली, स्पेशली नीतू, यू मेक सो मैनी रील्स, सो गुड रील्स, व्यूज मिलियन पे जाते हैं, आप वीडियो डालते हो तुरंत वायरल हो जाती है, वेदर इट इज़ यूट्यूब और इंस्टाग्राम एंड सो यू, आइडियाज़ कहाँ से लाते हो इतने सारे? मतलब हमारे पास ट्रेंड आते हैं, हमें सोचना पड़ता है क्या करें, आप ट्रेंड क्रिएट कर रहे हो फॉर मिलियंस पीपल टू फॉलो, एंड दिस इज माई पर्सनल क्वेश्चन, मतलब कैसे म्यूजिक कैसे मिक्स करते हो, आइडिया कैसे आते हैं? जैसे अभी मैं गाने में आपकी रील देख रही थी, आपकी शादी वाली, वो ननद वाली, वो जो इनकी ननद, आपकी ननद वाली रील थी, फैम नॉट रॉन्ग, कैसे लेकर आते हो? लाइक आई हैव बीन सीइंग सो मैनी अदर क्रिएटर्स डू इट, बट फैन कम ऑन, कैसे? वेल इट्स अ सीक्रेट, हम नहीं शेयर करेंगे। नो जस्ट किडिंग, एक्चुअली मैं के ड्रामास बहुत देखती हूँ, तो मुझे उससे आइडियाज़ काफ़ी मिलते हैं, एंड सेकेंड कि मैं थॉट्स, मतलब मैं ना कुछ सोचती रहती हूँ, मैं नहाने गई हूँ तो मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं मतलब कहीं पर भी ना मैं कुछ सोचती रहती हूँ, खुद से बातें करती रहती हूँ, तो वहाँ से मुझे बहुत आइडियाज़ मिलते हैं कि ऐसा कुछ करना चाहिए। एंड सेकंड कि हम कभी भी किसी की कॉपी नहीं करते, आई मीन स्पेशली, मतलब मैंने ना देख, मैंने लखन को डे वन ही बोल दिया था, हम दोनों ने ये डिसाइड किया था जब हमने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट ही किया था कि हम किसी को कॉपी नहीं करेंगे, हम अपने रियल कंटेंट रखेंगे जो हम टिकटॉक पर भी करते थे, हम अपना एक बेस बना के चलते थे कि हम किसी को कॉपी ना करें या कोई हमें बाद में क्लेम ना करे कि आपने हमारा कंटेंट चोरी किया है। तो वही है कि अपना माइंड यूज़ करो और अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, अच्छा प्यार मिलेगा। बिल्कुल, कि अपना माइंड यूज़ करो, अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। एक में कर रहे हो आप। अच्छा नीतू, आपको पहले तो कंग्रेचुलेशंस, अगर मोस्टली हमारे कुछ व्यूअर्स, उनको नहीं पता होगा कि नीतू का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, दैट हैज़ बीन रैंक 40th मोस्ट व्यूड चैनल लिस्ट में। तो हमारे बहुत सारे यंग क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है, उदास हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे उनके चैनल पर, एंड योर्स हैज़ बिकम 40th ग्लोबली, क्या कहोगे आप उनसे? दो तीन मेरे क्वेश्चन आपसे ही हैं। पहले तो मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल हिम्मत मत हारो, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में मुझे भी व्यूज़ नहीं मिल रहे थे, बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया, मैंने और एक्स्ट्रा काम किया है, और जब मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है तो ऐसा नहीं कि मैं रुक गई हूँ, मैंने उसके बाद भी एक्स्ट्रा काम किया है। तो कभी भी लाइफ में रुकना नहीं चाहिए, अगर आपको अच्छा एक अच्छी सक्सेस मिल जाती है, तो मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो उसमें घमंड आ जाता है, वो काम करना छोड़ देते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप जितना भी ऊपर जा रहे हो, जितना भी आप नीचे जा रहे हो, आपको और हार्डवर्क करना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। तो अगर किसी की वीडियोज़ नहीं चल रही है तो उनको डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, मैंने काफ़ी लोगों से ये भी सुना है कि हम डिप्रेशन में, हमारी वीडियोज़ नहीं चल रही है, इवन मुझे भी DMs आते हैं तो बहुत बुरा लगता है, और मैं काफ़ी DMs का रिप्लाई भी करती हूँ कि कुछ अलग करो, मतलब दूसरे क्रिएटर से सिमिलर मत करो, बिल्कुल अलग करो, तो आपकी वीडियो ज़रूर चलेंगी और चलती हैं। हाँ जी। अच्छा नीतू और लखन, आपकी लव स्टोरी सबको पता है, सारी लखनीत फैंस को पता है कि हाउ यू गाइज मेट, तो ये शादी का ख्याल कैसे आया, मतलब कैसे डिसाइड हुआ कि हाँ अभी ये टाइम है, लेट्स गेट मैरिड, वो हिट कैसे हुआ? आप बोलोगे कुछ, सोच लग तो रहा है, आपको सोच रहे हो। एक तो 3 साल हो गए डेट करते करते, और उसके बाद मन में एक ही चीज़ थी कि यार चाहे आज करूँ चाहे 10 साल बाद करूँ, करनी इसी लड़की से, तो वो 10 साल का गैप भी क्यों दूँ, तो ये था कि एक बार हाँ कर लेते हैं शादी यार।
उसके बाद फिर फ्रीली घूमना फिरना अपना काम धंधा सब करेंगे, तो इस थॉट के साथ। और दूसरा घर वाले बड़े खुश थे, वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि मम्मी को क्या होता था, नीतू घर पर आ रही है, नीतू फेस्टिवल के टाइम पे अपने घर जा रही है, तो उनको लगता था कि यार हम दिवाली मना रहे हैं, नीतू होती कितना अच्छा लगता। तो मेरे से ज़्यादा एक्साइटमेंट नीतू को बहू बनाने की मेरे घर वालों को, उनको लगता है कि यार, क्योंकि इसका बॉन्ड सबके साथ ऐसा है, मेरा भाई है वो खुद को लक्ष्मण बताता है नीतू का, तो उनको क्या होता है, उनके लिए ये मेरे से ज़्यादा प्यारी है, तो इसको मेरे से ज़्यादा प्यार मिल रहा है घर में। उनके लिए एक एक पॉइंट ऑफ हरीनेस थी उनके अंदर कि यार जल्दी से ये लड़की हमें ऐसा बहू चाहिए, और तेरे को इसी शादी करनी है तो कर क्यों नहीं रहा। हाँ वो मेरे से पूछते बार बार, तो फिर मैंने कहा ठीक है तुम लोगों को खुश कर देता हूँ, मैं शादी कर लेता हूँ उससे, और फाइनली भी कर दी। हाँ मतलब ये था कि मैं चाहे आज करूँ चाहे 10 साल बाद हो, होनी तो इसी से, तो फिर क्यों ना अभी कर लूँ। बिल्कुल। नीतू शादी से मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आप अपनी मदर इन लॉ के साथ बहुत प्यारी रील्स बनाते हो, आप वीडियोस बनाते हो, कॉमिक वीडियोस आपकी आती है और बहुत ज़्यादा वायरल जाती है, तो और अभी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं वो अपने मदर इन लॉज और अपने इन लॉज के साथ वीडियोस बनाते हैं, तो जैसे हम पहले मूवीज़ में देखते थे कि मदर इन लॉ का कॉन्सेप्ट होता था एक वैम्प का, तो क्या ऐसा है कि रील बनाने से ये रिलेशनशिप जो होता है बहुत सुधर गया है, क्योंकि मेरा है कि क्या रील बनाने से रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं? वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रील्स बनाने से मेरी मदर इन लॉ मुझे आइडियाज़ देती हैं कि हम ऐसा कुछ बनाते हैं, मैं बहुत ही कम उनको आइडियाज़ देती हूँ कि हम ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं, वो ही मुझे आइडियाज़ देती हैं। तो हमारा रिलेशन डे वन से अच्छा था और अच्छा है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि रील से ही हम लोग ऐसे हमारा एक बॉन्ड है, नहीं, हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, टच वुड हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मुझे बहुत प्यारी फैमिली मिली है। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा, वो भी मुझे आइडियाज़ देती है ना, लेकिन हमें वो काफ़ी आइडियाज़ देती हैं कि हमें अपनी वीडियोज़ में कपल आइडियाज़ ज़्यादा देती हैं, और मॉम अपने देती हैं, पाई जो हमारे पापा जी हैं फादर इन लॉ, हम उनको पाई बोलते हैं प्यार से, तो वो हमें जो हमारी लॉन्ग वीडियोज़ होती हैं उनकी आइडियाज़ देते हैं। मतलब हमारे घर में ना सब हिडन क्रिएटर्स होते हैं ना, वैसा टाइप है, बट हम उनको लेकर आ रहे हैं सामने कि आओ यार अपना टैलेंट दिखाओ, जैसे हम अभी हमारा यश आ गया है छोटा, जिसको मैं लक्ष्मण बोलती हूँ, तो मतलब सब आइडियाज़ देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, फैमिली का एक अलग ही बॉन्ड चलता जाता है और अच्छा लगता है, मतलब आगे बढ़ता रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे कभी इंस्टा DM मैं शेयर करता रहता हूँ, टाइम बाय टाइम मैं स्टोरीज लगाता रहता हूँ, जो मेरी बहन है वो मुझे सिर्फ रील्स भेजती है और उसके नीचे एक टेक्स्ट होता है ये रील नीतू की बना, उसका और मेरा सिर्फ ये कॉन्वो होता है इंस्टाग्राम पर। और अभी इंटरव्यू खत्म होने का मैं आपको चैट भी दिखाऊंगा एक बार, आप देखना, आप ऊपर तक स्क्रॉल करोगे ना, वो सिर्फ इसी की बात कर रही होगी। तो मेरे घर वालों का एक तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं ना नीतू को लेके, दूसरा उनको लगता है कि यार नीतू ना ये भी करे वो भी करे, जो भी चीज़ आए ना वो मुझे दिखाते हैं कि नीतू को ये भी करा, नीतू को ये भी करा, तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं इसको लेके। हाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं कभी कभी, यार मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा कोई। बिल्कुल। अभी एक थोड़ा सा सीरियस सवाल है कि आप सेम फील्ड में हो, यू माइट बी फ्रेंड्स विद सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स, XYZ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपकी सेम ग्रुप भी होगी, उठना बैठना भी होता होगा साथ में, तो क्या ऐसा होता है कि आप देखते हो कि यार उसका काम ज़्यादा अच्छा है, या कभी ऐसा होता है कि कभी बीच में कुछ आपस में कुछ मतभेद हो जाते हैं, या थोड़ी प्रॉब्लम आ जाता है, टेंशन आ जाती है कि कुछ टाइम बाद रिलेशनशिप या इक्वेशन ख़राब होने लगते हैं आपके, लग रहा है कुछ है दिमाग में? नहीं एक्चुअली मैम ह्यूमन नेचर है कि जहाँ 10 लोग होंगे तो वहाँ मतलब ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 से हमारा ऐसे ही बॉन्ड रहे, या फिर सब हम सेम ही मेंटल लेवल पे हो। तो लाइक आप अगर खुद का एक एग्जांपल लोगे तो आपके भी बचपन में बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं वो सब अभी भी हो। तो ऐसा ही इन्फ्लुएंसर लाइफ में भी है, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन बहुत सारे नहीं भी हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ठीक है मतलब ऐसा कोई नहीं है कि किसी को जेलस फील हो रहा है, या इसमें ऐसा नहीं कि कोई मेरी प्रॉपर्टी ले गया, बट एक टाइम होता है जबकि ना हमारा माइंडसेट नहीं मैच कर रहा कि ठीक है भाई आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है आप वो करो, मैं रोक किसी को नहीं सकता। और उसी टाइम पे मैं मतलब एक म्यूचुअल डिसीजन होता है कि ठीक है यार कि आप अपने फील्ड में अपनी लाइन में आगे बढ़ो और मैं अपने में करता हूँ। लेकिन थैंकफुली हमारे केस में 10 out of 9 अपने को ऐसे लोग मिले हैं जो कि जिनकी मैंटलिटी बिल्कुल सेम है,
जो सपोर्ट करते हैं और जो ग्रो होते हुए देख के ना बहुत खुश होते हैं. तो इनफैक्ट आप वीडियोस भी देखते रहते हो, हमारी फ्रेंड्स के साथ काफ़ी आती है. तो जो एक वो सर्कल है ना, उस सर्कल में इतनी पॉजिटिविटी है कि अगर कोई ग्रो कर रहा है तो दूसरे चार लोग उसको आएंगे और उसकी तारीफें करेंगे और उसको और पुश करेंगे. तो बाकी मैम वो सब तो होता ही रहता है कि कभी किसी से कोई बात नहीं बनी, ये सब तो मुझे लगता है पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. बाकी हार्ड फीलिंग्स किसी के लिए नहीं है और ऐसी कोई लड़ाई किसी से नहीं कि किसी ने कोई मेरा कुछ हिस्सा कोई ले गया या कोई मेरे कुछ कोई नुकसान कर दिया. सो इट्स ऑल ओके. इसीलिए कई बार पब्लिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, पूछने लगता है कि क्या हुआ, लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया. भाई नहीं, किसी ने मेरा सर्वर नहीं फोड़ा, वी आर ऑल ओके, हम सब ठीक है. लेकिन कई बार बस बातें नहीं मिल रही होती एक सेम लेवल पर जाके, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिस्टेंस खुद को कर लेना चाहिए ताकि लड़ाई ना हो. ज़्यादा मतलब सॉर्टेड मैच्योर आंसर कि अगर इसमें से कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बाइट निकालना भी चाहे तो नहीं निकाल पाएगा. तो अभी आपकी शादी हुई है ऑब्वियसली 28 को, 28 फरवरी को आपने अपनी सारी वीडियोस यूट्यूब पे डाली, यू मेड योर लखनीत फैमिली अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. और अभी आजकल आपने देखा होगा कि ट्रेंड हो गया है सेलिब्रिटीज़ में कि उन्होंने शादी को एक मिशन की तरह ले लिया है, नो फोटोज़, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी, फिर वो कभी फैंस को रुलाते रुलाते हफ्ते में एक एक फ़ोटो डालते होंगे. इस पे क्या कहोगे आप, क्योंकि यू नो एवरीथिंग अबाउट यू यू शेयर विथ योर फैंस, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग. हमने प्राइवेसी बहुत बरकरार रखी, वो रह नहीं पाई, मगर हमने चाहा कि ऐसा ना हो, लीक ना हो पिक्चर्स, बट हमारी हल्दी की फ़ोटोज़ ही लीक हो गई थी, वीडियोस लीक हो गई. तो बहुत बुरा लगा क्योंकि हम चाहते थे हम अपनी फैमिली को खुद दिखाएं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हमारी शादी का वेट कर रहे थे, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से वो लोग वेट कर रहे थे. तो हम लोग चाहते थे कि हम खुद ही उनको दिखाएं कि हम कैसे रेडी हुए हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं रियल में वही हम व्लॉग्स में भी दिखाते हैं, तो हम वही दिखाना चाहते थे. बट लीक हो गया ना, तो बहुत ही मुझे तो बहुत गुस्सा आया. बट हम कुछ कर नहीं सकते, हम इस फील्ड में कि हम किसी को कुछ गलत भी नहीं, वैसे भी हम नहीं बोलते मगर हम बोल ही नहीं सकते. हाँ हाँ, बट वेडिंग जो पिक्चर्स थी ना वो किसी ने लीक नहीं करी, तो हम उसके लिए बहुत जा रहे कि वो किसी ने लीक नहीं करी. तो हम ही ने वो पिक्चर, जैसे हमारी 28 को शादी थी, इवनिंग में हमने पोस्ट कर दी थी, तो वो हमारा एक अच्छा एडवांटेज था कि हमने वो कर लिया है ना. लखन ब्लॉग्स डाले थे ना शादी के, लखन ने भी लीक नहीं किया था. आपने वो बनाया था ना, अपने घर में देखो मुझे कितना काम करना पड़ रहा है आपकी मम्मा के साथ, हमने देखा था. सबसे ज़्यादा जो चिल इंसान था वो मैं था, क्योंकि मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था सब चीज़ें अरेंज हो रही है अपने हिसाब से. हाँ, बाकी भगवान ने इतने अच्छे माँ बाप और इतनी अच्छी वाइफ दी है कि इनको मेरे से ज़्यादा मेरी टेंशन है, तो मुझे पता था यार कर लेंगे मैनेज, इसलिए मैं एकदम बैक सीट पर रिलैक्स कर रहा था अपनी शादी वाले दिन. And why not? तो अभी एक सवाल है, जैसे आपने अभी पार्टनरशिप करी है एनिमेटा के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हाउ वॉज इट गेटिंग ऑन बोर्ड विद देम, ये इसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को, एनिमेटा के बारे में थोड़ा सा. एक्चुअली एनिमेटा इट्स नॉट लाइक अ टिपिकल एजेंसी कि सिर्फ ब्रांड डील्स लेकर आएंगे, उस पर अपना कमीशन रखेंगे. एनिमेटा का बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा, जिस वजह से शायद हम और एनिमेटा काम कर रहे हैं साथ में, वो ये कि एनिमेटा ने अपार्ट फ्रॉम बिजनेस जो हमें डेटा रिसर्च विद द हेल्प ऑफ AI दिया, क्योंकि एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर हमें एक बैलेंस रखना है, एक तो वो जो हम बनाना चाहते हैं, एक वो जो लोग देखना चाहते हैं. तो हमें उसका जो बैलेंस बना के रखना है ना, वो सारा डेटा हमें खुद से फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार. कई बार क्या होता है कि वीडियो शूट होने में तो 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन वीडियो शूट क्या करनी है उसको ढूंढने में 10 घंटे लग रहे हैं. तो एनिमेटर थ्रू देयर AI पावर, उन्होंने वो सपोर्ट जो हमें किया कि वो सारा डेटा और सारा एनालिटिक्स निकाल के हमारे सामने रख देते हैं कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, अब आप इसमें क्या देख सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी है. And apart from that, helping in editing and, you know, creating a story and screenwriting. तो इस सब में भी वो बहुत help करते हैं. और इसके बाद अगर creator का अपना कुछ business के लिए कोई उनका कुछ mood होता है, तो they are helpful in, you know, funding the creator also. तो एक ऐसा लगता है 360 degree approach है उनकी, जिसको अगर creator grab करना चाहे तो उनके लिए बहुत अच्छी opportunity हो जाती है वो. उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छा ऐप है, आप सबको समझ में आना चाहिए, ये ज़रूरी है. अच्छा, आपने अभी मुझे एनिमेटा के बारे में बताया,
तो जो जिन लोगों ने अभी बस स्टार्ट किया है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, अभी डाउट्स होते हैं, तो जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, क्या उनके लिए एन एम मेटा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है? आई मीन कंपेयर, अगर इंस्टाग्राम से कंपेयर करें तो इंस्टाग्राम से कितना डिफरेंट है? बिकॉज एडिटिंग इंस्टाग्राम आपको अलाउ करता है, आइडिया आप इंस्टाग्राम से देख सकते हो, तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम इंस्टाग्राम, ये आप मेरे को बताओ प्लीज़। मैम एक्चुअली जिस टाइम पर हम लोग इस फील्ड में आए और जिस टाइम पर न्यू कंटेंट क्रिएटर्स इस फील्ड में आ रहे हैं, तो दोनों टाइम बहुत अलग है। लाइक 2018 और 2023 में 5 सालों में इतना बदला है बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन एंड ऑल, कि आज हर घर में एक कंटेंट क्रिएटर है। तो आज कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जो अपकमिंग क्रिएटर्स हैं, अगर उनको यही नहीं पता कि किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, और अगर वो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है कि आज जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, हो सकता है आज मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे इस पर, लेकिन क्या मैं इससे एक अपना बेस खड़ा कर पाऊँगा कि अगले 1 साल में इसकी खुद की एक आईपी क्रिएट हो जाएगी? तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू एंड अपकमिंग क्रिएटर्स हैं, उनको एक गाइडेंस ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो आज कुछ ऐसा बनाए, इंडिया का मैच हुआ, इंडिया जीता, इंडिया हारा, कुछ भी हुआ, उसके ऊपर कुछ टॉपिक बनाया, वो व्यूज़ लिए, फॉलोअर्स भी आ गए, लेकिन उस वीडियो की शेल्फ लाइफ कितनी है? आज या कल, एक हफ्ते बाद वो वीडियो रेलेवेंट नहीं रहेगी। तो वहाँ पे अपने को ज़रूरत पड़ती है कि एक लॉन्ग टर्म गोल अगर हम देख रहे हैं, और वहाँ अपने को कुछ क्रिएट करना है ऐसा जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दे, तो वहाँ अपने को एनालिटिक्स और टूल्स और क्या ट्रेंड आने वाला है उस सब को ध्यान में रखना पड़ता है। और ऑब्वियसली बात है कि न्यू क्रिएटर्स को आइडिया नहीं होता उन चीज़ों का, तो वहाँ पर थिंग्स लाइक एनिमेटा कैन बी वेरी हेल्पफुल। मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जस्ट सो यू नो, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट ऐप, बिकॉज इफ़ योर इन्फ्लुएंसर्स आर यूजिंग इट, ऑफकोर्स इट इज़ ग्रेट। तो शादी के बाद चीज़ें कितनी चेंज हुई हैं नीतू फॉर यू? बिकॉज आप पहले भी वैसे थे, यू आर स्टिल नाउ द सेम, एंड लाइक आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपके जितने फैंस हैं, बहुत सारे आपके फैंस हैं जो हार्ट ब्रोकन हो गए हैं आपकी शादी के बाद, उनको कुछ बोलोगे आप? बिकॉज मैं कॉमेंट्स देख रही थी आपके शादी वाले पिक्चर पे, एंड बहुत सारे लोगों ने हार्ट ब्रोकन इमोजी लगाया था कि लखन तू ले गया नीतू को। इस पर क्या कहोगे आप? मुझे बहुत सारे लोगों ने अनफॉलो किया, स्पेशली लड़कों ने, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने शादी के नेक्स्ट डे देखा था, मैं क्योंकि हम इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर पा रहे थे उस टाइम, बहुत बिजी थे। जब मैंने पिक्चर पोस्ट की 21 मार्च को, जब मैंने अपना इनसाइट्स देखा, तो मेरे 1 लाख प्लस फॉलोअर्स चले गए थे, कम हो गए थे, और मुझे इतना बुरा लगा। मैंने ये शेयर किया लखन से जाके, लखन मेरे फॉलोअर्स कम हो गए, प्लीज़ वो पिक्चर डिलीट कर दो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, बट मैंने लखन को बताया था। लखन तुमने कुछ बोला नहीं था, आई थिंक, क्या बोला था तुमने? मैं क्या बोलूँगा यार, लाइक यार मैं क्या बोलूँगा उसमें, उसका रिजर्वेशन पहले ही हो चुका था 3 साल पहले, जो लोग हमें हमारी जर्नी फॉलो कर रहे हैं ब्लॉग्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, तो ये तो जैसे मैंने शुरू में बोला, आज नहीं तो 10 साल बाद होना ही था, तो ये तो मेरी है। अच्छा हुआ यार, लेकिन कुछ लोगों ने अनफॉलो किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्यार भी बहुत दिया, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। थैंक यू गाइज, मुझे ऑन कैमरा बोलने का मौका मिला है, लेकिन मैंने बोला नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, आपने बहुत बहुत सारा प्यार दिया, सोचा भी नहीं था कभी इतना। ये हमारा वो इंस्टाग्राम का ओ वाला मोमेंट था। अच्छा, आपका जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं अभी, दे आर स्टार्टिंग देयर बॉलीवुड जर्नी, आप भुवन बाम को देख लो, बहुत सारे आ रहे हैं, तो एनी प्लान फॉर बॉलीवुड अभी, कुछ भी, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो अपने फैंस को आप बताओगे, कुछ भी थोड़ा सा बता दो यार। आई थिंक लखन को इसका रिप्लाई। अच्छा ठीक है, तो मैं बताता हूँ, एक्चुअली नीतू का अपना एक बॉलीवुड चल रहा है, इसकी अपनी मूवीज़ बन रही हैं, शॉर्ट मूवीज़, और इसको क्या लगता है ना कि यार ये मेरा इतना अच्छा चल रहा है, कि ऐसा ना हो कि कोई प्रोजेक्ट हम लोग साइन कर लें और हम वहाँ चले जाएँ और ये वाला काम हमारा सफ़र कर जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल लाइक हम जो कुछ भी हमारी प्रेजेंस है, जो कुछ भी प्यार है लोगों का, वो इस काम के वजह से है। तो अभी अगर हाल फिलहाल कोई ऑफ़र मिलेगा तो वी विल डेफिनेटली कंसिडर इट, लेकिन अभी हमारा फोकस ये कि जो हम काम कर रहे हैं ना, उसको कैसे आगे लेके जाएं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फील्ड है ना, उसमें हमने 10% भी अचीव नहीं किया है अभी तक। तो एक बार जब वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ जाएगा ना कि हाँ यार कुछ कर लिया, अब कुछ और देखते हैं, अभी तो इसी से मन नहीं भर रहा, अभी कर रहा है कि इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं जस्टिफाई, तो इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बनाए। अच्छा, मुझे ये जानना था आपसे कि आज की जनरेशन है, लाइक अभी आप आज की जनरेशन, आप भी आप आज की जनरेशन हो, बहुत सारे लोग हैं वो
लाइक आई नो सम ऑफ द पीपल जो ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, दे आर मोस्टली डिपेंडेंट कि हम डिजिटल क्रिएटर्स बनेंगे एंड दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर एनी डिग्रीज, दे आर टेकिंग बींग अ क्रिएटर एज देयर फुल टाइम जॉब, नॉट अ पार्ट टाइम, पूरा टाइम. उनको आप क्या कहोगे? लाइक डिग्रीज नहीं ले रहे हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू बी अ क्रिएटर इवन दो दे आर स्ट्रगलिंग, जबकि डिग्री तो इम्पॉर्टेंट है ना. अभी मैम हमने 2 साल पहले देखा सबके साथ क्या हुआ, एक अच्छा खासा चलता हुआ प्लेटफॉर्म जीता जागता वो बंद हो गया रातों रात. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, आपके पास एक बैकअप होना चाहिए. और जो लोग डिग्री को ज़रूरी नहीं समझते ना, मैं उनके लिए एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप एक बार सोच के देखना, जो प्लेटफॉर्म आज आप यूज़ कर रहे हो, कल को अगर टिकटॉक के साथ हो उस प्लेटफॉर्म के साथ हुआ तो एक बैकअप ऑप्शन आपके पास क्या होगा? एक डिग्री होती है ना तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है कि यार ये नहीं होगा, कल को हम कुछ कर लेंगे, जॉब मिल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा. लेकिन अगर वो भी चीज़ आपके पास नहीं है तो इट्स अ वेरी हॉरिबल सिचुएशन, क्योंकि फिर वो बोलते हैं ना आग से खेलना, आप वो कर रहे हो. लाइक इवन टूडे हम लोग, लाइक मैं और नीतू अगर हम अपनी बात करूँ तो हम लोग इंडिया के इकलौते ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि सारे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं. और सारे प्लेटफॉर्म पे लाइक एक्टिव तो बहुत लोग होंगे लेकिन डेली कंटेंट नहीं डालते. लाइक हमारा प्लेटफॉर्म रिलेवेंट कंटेंट डेली जाता है. फॉर एग्जांपल इंस्टा पे रील्स जा रहे हैं, फेसबुक पर वीडियोस जाते हैं ननद भाभी जो आप देखते हो, यूट्यूब पर शॉर्ट्स डलते हैं प्लस ब्लॉग्स डलते हैं, स्नैप पे वो उसने अपना बहुत बड़ा नाम कर लिया, लाइक शी इज़ क्लोज टू 1 मिलियन नाउ, एक दो दिन में टच हो जाएगा 1 मिलियन मार्क. और स्नैप इसको ज्वाइन किए हुए 5 महीने हुए हैं, तो बहुत बहुत पेस से इसने ग्रो किया वहाँ पे. एक्चुअली स्नैप और नीतू की लव स्टोरी बहुत अलग है, क्योंकि ये 5 महीने पहले स्नैप पर आई और उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया. लाइक कुछ ऐसे क्रिएटर्स थे जो स्नैप पर हमसे पहले से थे, 2-2, 3-3 साल से, और उनके आज अगर आज मैं फॉलोअर्स देखूं, लाइक नॉट जजिंग ऑन फॉलोअर्स काउंट, बट एक अगर मैं ग्रोथ देखूं तो जितनी उन्होंने की उसके हिसाब से बहुत रिमार्केबल एक जर्नी रही नीतू की स्नैप पे. लेकिन कमिंग टू द क्वेश्चन कि जो लोग डिग्रीज नहीं ले रहे, जो लोग सिर्फ कॉन्टेंट क्रिएशन को ही अपना होल सोल बिजनेस बना रहे हैं, तो इसमें देखो अपॉर्चुनिटी स्काई इज़ द लिमिट, मैं हमेशा कहता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म में और हमारे फील्ड में. लेकिन आपके पास बैकअप ज़रूर होना चाहिए, जो कि इसीलिए मैंने जो बताया कि हम लोग सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हैं, उसका भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है कि अगर कल को किसी प्लेटफॉर्म को कुछ होता है तो एटलीस्ट वी हैव सम बैकअप. लाइक कल को फेसबुक को कुछ होता है, एटलीस्ट वी आर ऑन यूट्यूब. तो इसीलिए लाइक हम अपने फील्ड में अपना बैकअप लेके चल रहे हैं. लेकिन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ लाइफ में बैकअप ज़रूर रखना, क्योंकि वो बोलते हैं ना चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट. तो कॉन्स्टेंट तो कुछ भी नहीं है. आज भी शायद हम यहाँ हैं और ये सब कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम फ्यूचर के बहुत ज़्यादा लंबे प्लान्स नहीं बनाते, बिकॉज वी नेवर नो कि कल क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे होंगे. तो मेरा यही मैसेज सबके लिए, रिक्वेस्ट भी इसको समझ सकते हो आप लोग. सर द वे यू आंसर आई एम मेस्मराइज्ड, लाइक जेन्युइनली आई एम मेस्मराइज्ड. इतना सॉर्टेड, इतना सिंपल, इतना डायरेक्ट, यू नो दैट इज़ वाई यू गाइज हैव सच अ ह्यूज फैन फॉलोइंग एंड यू विल कंटिन्यू टू हैव सच अ ह्यूज फैन फॉलोइंग. अभी मेरे को ना आपसे एक फन क्वेश्चन पूछना है कि लाइक आपकी मम्मा वो नीतू के साथ व्लॉग्स बनाती है एंड सो हिज फादर और आपकी सिस्टर्स एंड ऑल, ओके. तो अभी जब आप कभी फैमिली आउटिंग के लिए जाते हो और कोई फ़ैन आता है तो क्या ऐसा होता है कि अच्छा किसके लिए आया, मेरे लिए आया, किसके लिए आया, किसके लिए आया, ऐसा कुछ होता है? अगर हम फैमिली के साथ बाहर गए तो हमारे मॉम डैड के लिए आता है, पाई और भम्मू के लिए, मोस्टली उनके लिए आता है, क्योंकि उनसे ना सबको, सारी हमारी फैमिली को इतना प्यार है, क्योंकि काफ़ी लोग पीजी में रहते हैं और वो हमारे व्लॉग्स देखते हैं, तो वो जब मॉम को देखते हैं, भम्मू को देखते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी मम्मी भी ऐसे करती हैं, हमें ऐसे खिलाती हैं, हमें ऐसे डांटती हैं. तो अगर हमें वो मॉल्स में मिलते हैं या फिर कहीं पर भी मिलते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, तो पहले वो हक करते हैं मॉम को आके, अरे भम्मू आप मेरी फेवरेट हो, आई लव यू, ऐसे करके. और पाई को, और पाई के तो मॉम से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, पाई को इतना पसंद करते हैं लोग कि आप जैसा फादर एंड फादर इन लॉ होना ही चाहिए. तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है, बट उनके लिए ज़्यादा आते हैं. अगर हम सब गए मिलके तो मॉम डैड के लिए ज़्यादा आते हैं, हम दोनों को तो कोई पूछता ही नहीं है तो बुरा भी लगता है अच्छा भी लगता है, थोड़ा थोड़ा होता है बट अच्छा भी लगता है कि यार उनको ज़्यादा पूछ रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम हैं. हाँ हाँ हाँ
अच्छा लखन, क्या ऐसा है जैसे अभी तो शी हैज़ अ वंडरफुल रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, लाइक ऑफकोर्स हर फैमिली नाउ, तो स्टार्टिंग में कैसे इंट्रोड्यूस कराया था इन्हें? क्योंकि हमारे इंडिया का यूथ है ना, थोड़ा डरता है माँ बाप से गर्लफ्रेंड को मिलवाने में. उनको कुछ बोलोगे आप? जैसे आपका तो स्टार्टिंग से सॉर्टेड था, ये उनको थोड़ा ज्ञान दो ना थोड़ा कि एक मैं इस. अच्छा, बहुत डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ दोबारा से. मैं कुछ ढूंढ रहा था कि कैसे बोलूँ. देखो, मेरा ना शुरू से क्लियर था, द डे आई मेट हर, सबसे पहले मेरी मम्मी को पसंद आ गई. तो उस टाइम तक हम लोग सिर्फ दोस्त थे. उसके बाद क्या है, मेरे घर पर पता है इसके बारे में. तो एक मेरे को तो ग्रीन लाइसेंस मिल गया कि भाई ठीक है, लड़की अच्छी है, अब तू देख ले भाई अपने हिसाब से. अगर लाइक इफ़ शी इज़ सिंगल और लकीली तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया. लेकिन मुझे मतलब मैं हमेशा ना अपने छोटे भाइयों को भी ये चीज़ समझाता हूँ कि अगर कभी कोई लड़की पसंद है ना, तो सबसे पहले आके घर पर बताना. क्योंकि घर वालों को बुरा कब लगता है? जब उनको बाहर से सुनने को मिलता है. उनको लगता है कि यार हमारा खुद का बच्चा तो बता नहीं रहा. और अगर आपके इंटेंशंस क्लियर है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे और आपके इंटेंशन एकदम साफ है ना, तो जाके बोल दो भाई. क्योंकि लाइक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप. आपको ही पता है कि इस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ. तो अगर इतना हिम्मत है कि उसको शादी करने के लिए आप सोच रहे हो, तो फिर इतनी भी होनी चाहिए कि आप घर पे कम से कम एटलीस्ट बता दो, ताकि आपके माँ बाप को कहीं बाहर से एटलीस्ट सुनने को ना मिले. और उसके बाद तो कन्विंसिंग पावर हर एक इंडियन चाइल्ड के अंदर होती है. और ये हमारा आपसे एक आखिर नहीं कहेंगे ऐसी वाला सवाल है, ऐसा इम्पॉर्टेंट ही है. अभी आपके फैंस को, लखनीत फैंस को ऑफिशियली कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? व्लॉग पे तो देते हो, अभी यहाँ कुछ बोलोगे आप जो आपकी तरह ही बनना चाहते हैं? या लाइक यू आर देयर आइडल ना, वन ऑन वन बोल दो ना. पहले आप बोल दो, फिर आप बोल दो. एम टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोगों ने हमारे फैन पेजेस बनाए हुए हैं. बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं उनको जो रिप्लाई करता हूँ उससे वो बड़ा वियर्ड फील करते हैं. वो कहते हैं बंदा थोड़ा अजीब है. क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे सच बताओ, मतलब जो एक आइडल इंसान होता है ना, मेरी लाइफ में दो तीन ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ. तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप ऐसे बनो ना यार, अगर ठीक है आपको मेरे जैसा बनना है ना, तो मैं इनको फॉलो करता हूँ, तो ऐसा हो तो आप भी उन लोगों को फॉलो करो. लाइक स्वामी विवेकानंद, मैं उनको बहुत पढ़ता हूँ, मैं उनको बहुत मानता हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि मैम मेरे से भी अच्छे एग्जाम्पल हैं इस देश में जिनकी तरफ यूथ को देखना चाहिए. लाइक अगर अपार्ट फ्रॉम व्लॉगिंग एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑन सोशल मीडिया, अगर एक लाइफ का अचीवमेंट देखें, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ अभी तक. क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो मैं करना चाहता हूँ ना, मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं जो मैं रिटर्न में इस कंट्री के लिए करना चाहता हूँ, जो मैं बहुत सारी चीज़ें एक स्ट्रे एनिमल का शेल्टर बनाना चाहता हूँ. तो वो सब जब मैं कर दूंगा, तो शायद मैं उस मुकाम पे होऊंगा जब मैं लोगों को बोलूंगा ठीक है लुक अप टू मी, बट एट द मोमेंट आई एम नॉट द वन. तो अगर आपको कोई इंस्पिरेशन लाइफ में देखनी है, या अगर मेरे को अपना आइडल मान रहे हो ना, तो आप उन लोगों को देखो जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं ऐसा हूँ. तो शायद आपको वियर्ड लगे ये बात, शायद उन लोगों को वियर्ड लगती है जो मेरे फैन पेजेस बना के बैठे हैं. मैं उनको बोलता हूँ कि प्लीज़ पढ़ाई लिखाई करो, इससे कुछ नहीं होने वाला. या फिर अगर आपके अंदर एडिटिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि आप मेरे वीडियोस बना के डालते हो, तो आप क्यों ना अपना खुद का चैनल स्टार्ट करो. तो बट उनका प्यार है, आपके प्यार को मैं इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड आई एम थैंकफुल कि आप इतना सारा प्यार मुझ पर बरसाते हो. लेकिन प्लीज़ कंसिडर करना मेरी ये बात कि अगर मौका लगे तो अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, अच्छे अच्छे लोग हैं जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हो. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आप जैसी फैमिली मिली. बहुत सारा प्यार मिलता है, डेली मिलता है, एक दिन नहीं. हम जब भी ब्लॉग्स डालते हैं बहुत सारे कमेंट्स आते हैं. इवन अभी भी बहुत सारे लोग मेरे मिनी ब्लॉग्स को मिस कर रहे हैं, आई नो, बट बहुत जल्दी एक्टिव होंगी. बट इसको कट कर सकते थोड़ा, मतलब मैं आपसे पूछा क्वेश्चन क्या था, मैं कहीं और खो गई किसी और दुनिया में. क्या क्वेश्चन था? मैं कहीं और खो गई. तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई को कभी ना छोड़े, पढ़ते तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें. बस अपना बैकअप जैसा भी है वो बना के रखें. और जैसा भी लखन ने बोला कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप एक कामयाबी तक पहुंच पाएंगे. अगर कोई प्लेटफॉर्म बैन हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आप खुद भी कुछ कर सकते हो. तो बस अपनी चीज़ें, अपनी रूट्स मत भूलो.
अच्छे से काम करो और ऑल द बेस्ट। तो अब हमारे पास हमारा लाइक मोस्ट अवेटेड राउंड है रैपिड फायर। हमारे पास बाकी चैनल की तरह हैम्पर नहीं है, बट इट इज़ फन। पानी की बॉटल है हमारे पास, कुछ है पानी है पहले जीत तो माइक अच्छा गलत हो ओके आपने कहा ना आंसर तो वो तो मैं दे ही देता कुछ ना कुछ नीतू लखन डोंट लाई लखन अच्छा इसका कंफर्मेशन आप मेरी टीम से कर लो आपके सामने है जस्ट अ मिनट नीतू आंखें बंद लखन तुषार कौन लेता है टेक ज्यादा रोहित जल्दी जल्दी कौन लेता जो सैलरी देता है वो बोलेगा मैं डेली वेजेस बनाता हूं तुम्हें ही बता देखा बताती मैं तुम्हें मेरा फेवरेट क्वेश्चन तुम पूछ लोगे तो मेरा फेवरेट वन हैशटैग एक दूसरे को तो देना चाहते जल्दी सबसे लेजी मूवफट नहीं सीरियसली ही इज वेरी लेजी एक्चुअली बहुत लेजी है। लखन को सोना बहुत पसंद है, दिन में सुला लो रात में सुला लो मतलब कभी भी फ्लाइट में कार में। हाँ लखन लखन नहीं 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 बट एक चीज मैं बताऊँ लखन की आदत क्या है, अगर मेरी फाइट होती है तो लखन किसी भी बहाने से मुझसे बोलते चल ठीक है सॉर्ट हो गया अब तू सॉरी बोल दे, तो मुझे सॉरी बोलना पड़ता है। नहीं नहीं मैं कभी कभी सॉरी बोल एलियंस की खोज नहीं हुई लेकिन हो जाए ना आप उनसे ही पूछोगे ना उनमें भी लड़के जो होंगे ना वही सॉरी बोलते होंगे आई एम डैम श्योर देख लेना नहीं नहीं झूठ लखन लाइक वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को करने देती यार मुझे ना बहुत चीज़ें मतलब एकदम माइंडसेट क्लियर करना पड़ता है कि अगर मुझे लगेगा ना 100% मैं शोर हूँ तभी मैं उस काम को करूँगा तो इसको टेंट्रम लगते हैं मेरे और वो हैवी टेंट्रम बहुत बड़े घर पे हम दोनों सेम है इस चीज़ में, हमें घर पे टाइम स्पेंड करना पसंद है क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि घर पर हो जाता है। अगर हमें लंच भी करना है बाहर डिनर नहीं करते क्योंकि हम जल्दी सो जाते हैं, अगर हमें लंच भी करना है बाहर तो हम घर पर ऑर्डर करते हैं, हम बाहर जाना बिल्कुल अवॉइड करते हैं। गाइस वन मोर रीजन नॉट बी लाइक अस इसलिए मत होना आप, हम बहुत बोरिंग है भाई बहुत बोरिंग, हमारी नाइट लाइफ तो है ही नहीं, आज तक हम लोग क्लबिंग नहीं गए और ऐसा नहीं कि मतलब किसी ने रोका टोका। 9 बजे के बाद लगता है कोई अच्छा ठीक है कुछ अच्छी सी मूवी देख ली या फिर कोई बुक पढ़ ली सो जाओ, फिर उसके बाद कुछ नहीं। मुझे आता नहीं था, मैंने अभी एक साल पहले सीखा। हाँ बहुत टेस्टी खाना बनाना सीखा अब तो माइक मेरे नहीं, आज भी मैंने राजमा चावल बनाया लखन के लिए, आज ही बनाया। हाँ राजमा चावल मैं भगवान हम लड़कों को लगता है कि लड़कियां ड्राइव अच्छी नहीं करती हैं तो ये आप लोगों की हाँ बहुत बड़ी मेहनत है यार, मैं उस पे कमेंट नहीं कर रहा लेकिन हाँ मैं इसको जरूर बोल रहा हूँ अभी तक मेरी गाड़ी का जितनी बड़ी मैं जब 17 साल की थी तब से ड्राइव कर रही हूँ और किसी ने मुझे नहीं सिखाया, मैंने खुद सीखा है। मैं बुलेट चला लेती हूँ, बाइक चला लेती हूँ, स्कूटी एंड व्हाट माइक दो माइक। अगर 17 साल से ड्राइव कर रही तो तू बेटर ड्राइवर है। नहीं, मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला कि मैंने कभी कहीं गाड़ी ठोकी नहीं। हाँ मतलब ऐसा नहीं है तो लखन को लगता है यार कोई क्यों बोलेगा क्योंकि गाड़ी ठोक भी दी और गलती भी सामने वाले की बता दी तो बेचारा अपोलोजाइज करके और निकल जाता। नहीं तो अभी तक कितनी बार गाड़ी ठोकी? मेरी गलती नहीं थी। अच्छा देखा इसकी नहीं थी। अच्छा कितनी बार? 2 बार मेरी गलती नहीं थी। मैंने तुमने 10 बार भगवान से भगवान मैं नहीं बोल रहा, चेहरा देख लो आप लिखते हैं काउंटिंग। एक दूसरे को छोड़कर हाँ, मेरा यशी सूरज वी लव देम एज अ क्रिएटर बहुत अच्छे नहीं नहीं
नहीं मेरा एक और है भाई, कृतिका दी, मेरी वो भी बहुत फेवरेट है। अपोजिट जेंडर? सॉरी मैं मतलब बता रही हूँ, मतलब कृतिका मलिक, अरमान भैया, मुझे नो बट मुझे वो तीनों बहुत पसंद है। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, वो मेरे फेवरेट है तीनों। दो तीन ठीक है, दो नाम तो आपको ऑलरेडी मिल गए, सूरज ऐशी एंड अरमान एंड ऑल एंड सुरभि। हाँ जेन्युइन, मतलब वो एकदम, वैसे भी अगर आप देखो ना तो वो एकदम बाय हार्ट बच्ची है, मतलब वो उसको तो, हाँ उसको सुरभि को मैं बोलता हूँ कि तू 7 साल की है, इस 20 साल की बॉडी में तू 7 साल की बच्ची है, वो बहुत बहुत जेन्युइन है वो। 16th December 1997। सर नहीं बताना था ये, अच्छा अच्छा पढ़ा था 29 September ईयर सेम है। नहीं वैसे मैं जीती हूँ यार, चॉकलेट है। हाँ आप बताओ, नहीं ये चॉकलेट शेयर नहीं करते, नहीं मुझे नहीं पसंद एक्चुअली। थैंक यू। मगर पता है कार में लखन को मिलने वाली है वो वापस। अच्छा भाई चॉकलेट एंड कर देते हैं, मन तो नहीं कर रहा इन्हें भेजने का। आई विश यू कुड लाइक थोड़ा और रुक जाते हैं, बिकॉज आई वॉज एन्जॉइंग दिस पर्सनली सो मच एंड आई एम श्योर आपने भी इन्जॉय किया होगा। अभी हाँ बोल दो, नहीं किया तो भी बोल दो। ये डाल देगा हमारा एडिटर। अच्छा था ठीक है फिर से। अच्छा तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, हमारी पूरी टीम ने इन्जॉय किया एंड आई एम वेरी श्योर इन्होंने भी इन्जॉय किया होगा। बिल्कुल बहुत इन्जॉय किया, बिल्कुल सबने इंजॉय किया। वी गेव देम चॉकलेट्स, खाली हाथ नहीं भेजा हमने। तो प्लीज़ वॉच देयर वीडियोस यूट्यूब इंस्टाग्राम, सब तो आप जानते हो इनके बारे में, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप कुछ बोलना चाहते हो बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक यू सो मच आपको कि आपने मौका दिया इधर आने का। जी नव्या, ओ मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। तो थैंक यू सो मच नव्या इधर बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, और बहुत अच्छा इंटरव्यू सेशन था। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। और लखन को इससे पहले नींद काफ़ी आ रही थी, अब लखन ठीक है? अब फ्रेश हो गया लखन? नहीं अब तुम फ्रेश हो गए ना यहाँ पर आके, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, इट वाज अ ग्रेट 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 प्लेजर एंड ओवर एंड आउट।